नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर चक्षु और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लियर स्टोन ड्रॉप्स के बारे में। तो अगर आपको गुर्दे की पथरी है यानी किडनी स्टोन्स है और आप बर्बरिस वल्गेरिस नाम की दवा इस्तेमाल करना चाहते हैं, कर रहे हैं या उसके बारे में सोच रहे हैं, तो मेरे हिसाब से क्लियर स्टोन ड्रॉप्स के बारे में समझिए और उस दवा को इस्तेमाल कर लिए, आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा और आपको ज़्यादा बेटर बेनिफिट्स मिलेंगे। तो इस दवा के क्या फ़ायदे हैं, इसका क्या कॉम्पोजिशन है और इसकी क्या सही डोसेज होनी चाहिए, इसके बारे में समझिए। और इसे समझने के लिए वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिए। बात समझ में आए तो थम्स अप दीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब प्लीज जरूर करिए। चलिए जुड़ते हैं और होम्योपैथी की पब्लिक इमेज इंप्रूव करते हैं। तो चलिए सबसे पहले इस वीडियो में बात कर लेते हैं कि भाई आखिर ये क्लियर स्टोन ड्रॉप्स हैं क्या। देखिए, क्लियर स्टोन ड्रॉप्स SBL कंपनी का एक कॉम्बिनेशन मेडिसिन है और इसके अंदर जो दवाइयाँ मौजूद हैं वो लगभग सभी तरह के जो किडनी स्टोन्स हैं उनको रिमूव करने में मददगार साबित होती है और उससे संबंधित जो भी परेशानियाँ होती हैं उसको भी काफ़ी हद तक हल करने में एक बेटर मेडिसिन है। तो अगर आप कोई ऐसी दवा इस्तेमाल करना चाहते हैं किडनी स्टोन्स के लिए जिसके लिए आपको डॉक्टरी परामर्श नहीं लेना या आप नहीं ले पा रहे हैं और ऐसे में एक दवा की ज़रूरत है, तो आप क्लियर स्टोन ड्रॉप्स इस्तेमाल करिए, ज़्यादा बेटर रिजल्ट्स आपको देगी। अब अगला सवाल जो यहाँ पर है वो ये कि मैं क्यों बोल रहा हूँ कि ये दवा बर्बरिस वल्गैरिस से ज़्यादा बेटर है। देखिए, बर्बरिस वल्गैरिस एक बहुत फेमस मेडिसिन है और फेमस क्यों है, क्योंकि इसकी सबसे ज़्यादा सेल है। तो अगर आपको किडनी स्टोन हो गया, आपने नेट पर सर्च करा, किसी दोस्त से पूछा या आपने किसी फार्मेसी वाले से जाके पूछा, तो वो बोलेगा भैया बर्बरिस वल्गैरिस ले लो, बढ़िया दवा है और अच्छे रिजल्ट देती है, पथरी निकल जाएगी, चिंता की कोई बात नहीं। प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम ये है कि दवा तो अच्छी है लेकिन इसकी डोसेज लोग नहीं जानते। हालांकि मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया, आप आई बटन में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। तो लोगों को इसकी सही डोसेज नहीं पता। होता क्या है, लोग कई बार तीन तीन चार चार छः छः शीशी पी लेते हैं। कितनी सी पथरी के लिए? 5 mm की पथरी के लिए। तो भाई ज़रा सी पथरी के लिए जब आप इतनी सारी दवा ले लेंगे तो कहीं ना कहीं तो कॉम्बिनेशन आपको कॉम्प्लिकेशन होगा। क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है? आपको दर्द बहुत ज़्यादा हो सकता है, पथरी फंस सकती है, पथरी फंसने की वजह से जो दर्द होगा वो असहनीय होगा, है ना। और उसके साथ में आपको ब्लडी यूरिन आ सकती है, पस आ सकता है, आपको यूरिन इन्फेक्शन हो सकता है, आपको किडनी में भी दिक्कत हो सकती है और कई बार तो पथरी की वजह से लोगों में एक्यूट रीनल फेलियर तक हो जाता है। तो उसका कारण क्या होगा? आपकी गलती। क्यों? आपने क्या करा, परामर्श के पैसे बचाए, कंसल्टेशन फीस बचाई और आपने अपने हिसाब से दवा ले ली। ऐसे में क्या हुआ, दवा की गलती नहीं थी, सही समय पर सही डोसेज ना मिलने की वजह से आपको ये कॉम्प्लिकेशंस हुए। तो अगर आप इन कॉम्प्लिकेशन से बचना चाहते हैं और डॉक्टरी परामर्श नहीं लेना चाहते, ठीक है, लेकिन एक बेहतर दवा चाहते हैं, तो वो बेटर मेडिसिन है क्लियर स्टोन। अब इस वीडियो में बात करते हैं कि भाई ये क्लियर स्टोन ड्रॉप्स के बेनिफिट्स क्या हैं। नंबर वन कि ये एक बहुत ही अच्छा नेफ्रो प्रोटेक्टर है, यानी अगर पथरी की वजह से किडनी पर कोई भी लोड आने लग जाएगा और उससे जुड़े सिम्टम्स आने लग जाएंगे, तकलीफें होने लग जाएंगी, तो ये किडनी को बचाने में एक बहुत अच्छी भूमिका निभा सकती है। इसमें उस तरह की दवाइयाँ मौजूद हैं। नंबर टू, ये एक बहुत अच्छी डायूरेटिक की तरह काम करती है, यानी अगर आपकी पेशाब रुक गई, पेशाब खुल के नहीं आ रही है और आपको पेशाब वैसे आपको पथरी नहीं भी है फिर भी पेशाब खुल के नहीं आ रही है, तो भी इसमें वो दवाइयाँ मौजूद हैं जो डायूरेटिक की तरह काम करती हैं, पेशाब को अच्छे से निकालने में, फ्लो से निकालने में मददगार साबित होती हैं। ठीक, अगर आपको किसी भी तरह का किडनी स्टोन हो, चाहे वो यूरेट क्रिस्टल्स हो, यूरिक एसिड वाले हों, चाहे कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स हो, नॉर्मल सी पथरी हो या फिर ट्रिपल फॉस्फेट टाइप का स्टोन हो, तो किसी भी तरह का रीनल स्टोन हो, हर तरह के रीनल स्टोन को निकालने में ये एक लाजवाब दवा है। ठीक, इसके अलावा जो पथरी की वजह से होने वाले लक्षण हैं, जैसे सपोज़ असहनीय दर्द होना, वॉमिटिंग आने लग जाना, पैरों में सूजन आने लग जाना, उल्टी आना, उबकाई जैसा महसूस होना और साथ में बेचैनी महसूस होना, इस तरह के सभी लक्षणों को अच्छे से मैनेज करने का काम ये अकेली दवा कर सकती है, अगर आप इसे सही डोसेज में लेना चाहेंगे तो। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, यूरिन में होने वाले हर तरह के लक्षण में, यानी अगर आपको प्रोटीन पास होने लग गया, अगर आपको ब्लड आने लग गया, अगर आपको इन्फेक्शन आने लग गया, उसकी वजह से किडनी में इन्फेक्शन आने लग गया, किडनी में सूजन आने लग गई या फिर आपकी पेशाब की नली में या पेशाब की थैली में भी सूजन क्यों नहीं आने लग गई, इस हर तरह की के कंप्लेंट्स को मैनेज करने में ये दवा अपने आप में सक्षम है। अब ये सारे बेनिफिट्स इसके क्यों हैं? इसलिए क्योंकि इसका कॉम्पोजिशन बहुत अच्छा है। क्या कॉम्पोजिशन है इस दवा का? नंबर वन, इसके अंदर है बर्बरिस वल्गैरिस, सारसा परेला, सॉलिडेगो, ऑसिमम कैनम, परीरा ब्रावा और सेनेशियो ऑरियस, ये दवाइयाँ इसके अंदर मौजूद है।
अब हर दवा का एक अपना रोल है। देखिए बर्बरस वगैरह से आपको पता है राइट साइड में किडनी स्टोन हो, बहुत ज़्यादा सहनीय दर्द हो, किडनी रिलेटेड कोई भी परेशानी हो रही हो, यूरिन खुल के पास नहीं हो रहा हो, प्रॉपर यूरिन का फ्लो नहीं आ पा रहा हो, दर्द हो रहा हो, वॉमिटिंग आ रही हो, ठीक है, हर तरह के किडनी की प्रॉब्लम, साथ में यूरिनरी इन्फेक्शन हो रहा हो, ब्लडी यूरिया आ रही हो, एल्ब्यूमिन यूरिया आ रही हो, प्रोटीन पास हो रहा हो, किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो रही हो, उसकी एक चैंपियन मेडिसिन बर्बरस वगैरह इसमें ऑलरेडी मौजूद है, तो अलग से क्यों लेनी जब इसमें मौजूद है। तो प्लस क्या है, और भी दवाइयाँ हैं, कौन कौन सी, जो मैं बता चुका आपको। सारसा परिला क्या रोल है इसका, सारसा परिला का काम है कि अगर आपकी यूरिन रुक रही है और साथ में यूरिन बहुत ज़्यादा थिक आ रही है, गाढ़ी आ रही है, पेन हो रहा है, किडनी तक पेन जा रहा है, वो पेन किडनी से नीचे तक ट्रेवल कर जा रहा है और आपको साथ में पस बहुत ज़्यादा पास होने लग गया यूरिन के अंदर, और आपको ऐसा लग गया कि दर्द अगर होगा तो मैं दर्द के मारे करहाने लगूंगा, पलटियां मारूंगा इधर से उधर, वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा आने लग जाएगी मेरे को अगर, और उपकाई बहुत ज़्यादा आ रही है, मेरे पेट सब फूल जा रहा है, तो सारसा परेला इज़ अ वेरी गुड रेमेडी। फिर ऑसिमम कैनम, ऑसिमम कैनम किडनी प्रोटेक्टर है, ये आपकी किडनी को बचा के रखेगा। क्या क्यों बचा के रखेगा, क्योंकि ये क्या करता है, किडनी में आने वाली सूजन को प्रिवेंट करता है, फिर यूरिक एसिड से बनने वाली पथरियों को निकालने का बहुत अच्छा काम करता है। तो अगर आपको नेफ्राइटिस होने लग जाए या फिर आपको यूरिक एसिड क्रिस्टल्स आने लग जाएँ या फिर आपको यूरिन में किसी तरह की बदबू आने लग जाए, फाउल स्मेलिंग आने लग जाए, एल्ब्यूमिन पास होने लग जाए, तो ऑसिमम कैनम इज़ अ वेरी गुड रेमेडी। अब देखिए सोलिडेगो, सोलिडेगो एक बहुत ही अच्छी दवा है जो उसके अंदर है। सोलिडेगो क्या काम करती है, सोलिडेगो डाई यूरेटिक का काम करती है, यानी अगर किसी की पेशाब रुक गई, फंस गई कि पथरी फंसी हुई है, पेशाब खुल के नहीं आ रही, तो अगर आप क्लियर स्टोन ले रहे हैं उसमें सोलिडेगो मौजूद है, वो क्या काम करेगी, वो आपकी किडनी से पेशाब का फ्लो बढ़ा देगी, तेज़ी से फ्लो होगा, प्रॉपरली फ्लो होगा, तो जितनी भी गंदगी हो रही होगी वो सब गंदगी पास होने लग जाएगी, उसका एक बहुत ही बड़ा काम सोलिडेगो करती है। इसके अलावा जो इसमें दो और मेडिसिन मौजूद हैं वो है पराइरा ब्रावा और हमारी सेनेशियो ऑरियस, ये दोनों दवाइयाँ रीनल कॉलिक की बहुत अच्छी स्पेशलाइज मेडिसिन हैं। तो जब लोग कहते हैं ना दर्द हो रहा है, सहनीय दर्द हो रहा है, दर्द रुक नहीं रहा है, बेचैन है, करवटें बदल रहे हैं, इंजेक्शन लगाने की नौबत आ गई, इंजेक्शन लगने के बाद भी आराम नहीं आ रहा है, उल्टी पे उल्टी आ रही है, इतनी उपकाई आ रही है कि पेशेंट उपकाई करे जा रहा है, मुँह से उल्टी तक नहीं निकल पा रही, पेट फूल गया है, पैरों में सूजन आ गई है और इतना लोड हो गया कि ड्रिप लगानी पड़ रही है, तो पेशेंट डॉक्टर को भी डर लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो भाई इसकी किडनी पे कोई इफेक्ट आने लग जाए, ऐसे में ये दोनों दवाइयाँ बहुत बढ़िया काम करती हैं, प्रॉपरली यूरिन पास करवा देंगी, अच्छे से यूरिन ढंग से पास होगी सोलिडेगो की वजह से, तो किडनी के ऊपर आने वाले कोई भी कंप्रेशन फैक्टर ख़त्म हो जाएंगे पराइरा ब्रावा की वजह से, और यूरेथ्रा यानी पेशाब की नली के ऊपर आने वाला कंप्रेशन फैक्टर ख़त्म हो जाएगा सेनेशियो ऑरियस की वजह से, और जितने भी मल्टीपल कंप्लेंट्स हैं, एल्ब्यूमिन पास हो या प्रोटीन पास हो या फिर पस पास हो या ब्लड पास हो या बहुत ज़्यादा डार्क यूरिन आ रही हो, फाउल स्मेलिंग यूरिन आ रही हो, किडनी इन्फेक्शन शुरू हो रहा हो या फिर ब्लैडर में इन्फेक्शन हो रहा हो या केवल यूरिनरी इन्फेक्शन हो रहा हो, इस हर तरह की कंप्लेंट को सॉल्व करने में ये दवाइयाँ बहुत अच्छा काम करती हैं। तो समझिए एक कॉम्बिनेशन मेडिसिन है कंप्लीट तरह से किडनी स्टोन में होने वाली हर तरह की परेशानी को सॉल्व करने का, कितना बढ़िया तरह से और अच्छे रिजल्ट्स के साथ में यूटिलाइजेशन करती है ये अकेला कॉम्बिनेशन मेडिसिन। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि भैया बर्बरस वगैरह से ज़्यादा बेटर है। अब जब डोसेज कैसे इस्तेमाल करनी है समझिए, 10 mm से छोटा स्टोन है तो आप रेगुलरली इस दवा की कम से कम 20 बूंद एक ग्लास पानी में डाल के दिन में 3 बार के हिसाब से रेगुलरली लीजिए, और खाना खाने से या तो आधे घंटे पहले लीजिए कोई भी दवा या आधे घंटे बाद लीजिए। ये रेगुलर डोसेज है कि हमने अल्ट्रासाउंड कराया, पता चल गया हमें पथरी है, 10 mm से छोटी है, मल्टीपल अगर भी हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आप 15 से 20 बूंद दवा एक ग्लास पानी में डालिए, खाना खाने से आधे घंटे पहले आधे घंटे बाद रेगुलरली लेते रहिए, कुछ समय में धीरे धीरे करके आपको इम्प्रूवमेंट आएगा। समय समय पर अपना पेशाब की जांच, यूरिन आरएम जिसे हम बोलते हैं रूटीन माइक्रोस्कोपी, और अपना एक अल्ट्रासाउंड रेगुलरली कराते रहिए कुछ पर्टिकुलर इंटरवल पर, ताकि पता चलता रहे कि भाई मेरी किडनी स्टोन निकल रही है कि नहीं निकल रही, कोई कॉम्प्लिकेशन हो डॉक्टर से सलाह लें। अब अगर आपको लग रहा है कि मेरी पथरी फंस गई, ठीक, तो क्या होगा, उल्टी उपकाई आएगी, दर्द होगा, असहनीय दर्द होगा और पेशेंट परेशान होगा, तो ऐसे में उस समय आप क्लियर स्टोन अगर आपके घर में रखी हो तो आप 15 से 20 बूंद दवा
एक ग्लास पानी में इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें, उस समय पानी कम कर दें जब भी ऐसे कंप्लेंट आए। तो आधे कप पानी के अंदर लगभग 15 बूंद दवा लीजिए और चम्मच से पेशेंट को पिलाइए, और लगभग हर 10 मिनट के बाद पेशेंट को एक एक दो दो चम्मच दवा उस आधे कप पानी में से देते रहिए। उससे क्या होगा, धीरे धीरे करके पानी जाएगा तो दवा पहुंचेगी, तो धीरे धीरे करके पेशेंट को इम्प्रूवमेंट आएगा। साथ में सिकाई करिए, सिकाई से अच्छा इम्प्रूवमेंट आता है और ये सब सिम्टम काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। अब सपोज़ करिए कि पेशेंट को महसूस हो गया कि मेरी पथरी जो है ना वो मेरी पेशाब की नली में अटक गई, यानी यूरेथ्रा में अटक गई, और उस समय भयंकर दर्द है और मरीज़ को लग रहा है बस ये निकल जाए, अब भी निकल जाएगी, खट से आवाज आएगी और मेरे को इम्प्रूवमेंट आ जाएगा। तो ऐसे में जब भी ऐसी दिक्कत लगे तो आप हर घंटे पर आधे गिलास पानी में वो जो क्लियर स्टोन ड्रॉप्स हैं उसकी 15 से 20 बूंद डालिए और हर घंटे पर आधा कप पानी धीरे धीरे करके पीते रहिए। तो उससे लगभग 6 से 8 घंटे में जब यूरिन का प्रेशर प्रॉपरली बनेगा, उसमें ऑलरेडी दवा के लक्षण दवा मौजूद होगी, तो बहुत प्रेशर से यूरिन आएगी और आपकी जो पथरी है वो निकल जाएगी, बशर्ते कि वो पथरी जो ट्यूब का साइज़ है उससे छोटी हो। तो अगर उससे ज़्यादा होगी तो आप उस समय डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है, अल्ट्रासाउंड या एक्सरे कराना ज़रूरी है ताकि पता चल जाए कि पथरी कितनी बड़ी है। ठीक, तो आपको समझ में आ गया होगा इमरजेंसी में कैसे इस्तेमाल करनी है और रेगुलर डोज में कैसे इस्तेमाल करनी है। अब कुछ ज़रूरी बातें समझ लीजिए। किडनी स्टोन एक एक्यूट कंप्लेंट है। अगर आपको किडनी स्टोन बन गया, तकलीफ़ आपको हो रही है, सिम्टम आपको आ रहे हैं, डॉक्टरी परामर्श लेना ज़रूरी है, सही समय पर सही जांचें कराना ज़रूरी है। कौन कौन सी जांचें ज़रूरी हैं, अगर कुछ नहीं करा सकते, अल्ट्रासाउंड भी नहीं करा रहे, तो एटलीस्ट आप एक एक्सरे KUB रीजन का ज़रूर करा लीजिए। एक्सरे कराने की इच्छा नहीं, अल्ट्रासाउंड पे विश्वास है, तो केवल एक अल्ट्रासाउंड करवा लीजिए। अगर अल्ट्रासाउंड में और एक्सरे में पथरी दिखाई नहीं दे रही है तो एक्सरे IVP इंट्रावेनस पेलोग्राफी करा लीजिए। और पेशाब की जांच यूरिन RM यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी, ये जांच ज़रूर कराइए। मैं मानता हूँ हर किसी के पास पैसे की कुछ कमी होती है, लेकिन अगर आप तकलीफ़ में हैं तो प्लीज़ ऐसा ना करें कि कुछ पैसे बचाने के चक्कर में ज़्यादा पैसे खर्च हो जाएं और ऊपर से शरीर भी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर जाए, ऐसे काम बिल्कुल ना करें। तो आप सेफली इस दवा को इस्तेमाल करेंगे, जो डोसेज बताई है इस्तेमाल करेंगे, आपको इम्प्रूवमेंट ज़रूर आएगा। आई होप कि मैंने इस वीडियो में जो जानकारी दी होगी आप उससे संतुष्ट होंगे और कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर होगा। तो अगर इस दवा को इस्तेमाल करने से आपकी पथरी निकल जाए बिना डॉक्टरी परामर्श के, तो कमेंट सेक्शन में दूसरों को ज़रूर बताइएगा। और कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो, मेरी राय की ज़रूरत पड़े, व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, व्हाट्सएप पर संपर्क करिए, मैं जो मदद कर सकता हूँ ज़रूर करूँगा, लेकिन बिना इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स के मदद नहीं करूंगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मेरी तरफ से नमस्कार, थैंक यू।